दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की धड़कन से जो आपने पवित्र नाम आपने चुना है, जो मंत्र आपका है, उसको सुनिए कि दिल की हर धड़कन से ओम नमो शिवाय निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से उस नाम को बहुत प्यार से, बहुत आराम से लिया जा सकता है। पर शर्त एक है कि जब भी आपका मन इधर उधर भटके, इधर आदर के विचारों में जाए, उन विचारों को हटा दीजिए, फिर दोबारा अपने इष्ट के ध्यान में लगे, फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट के ध्यान में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट के ध्यान में लगाएं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार रूप के पुजारी हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु, दिल की हर धड़कन से उस पवित्र नाम को लें और इतने प्यार से कि सिर्फ वो ही नाम रह जाए, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। करे देव दर्शन तेरा जो निरंतर, करे देव दर्शन तेरा जो निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छवि की, नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छवि की, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरा हो, प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरा हो, परम ज्योति हर एक क्षण चाहता हूँ। प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरा हो, परम ज्योति हर एक क्षण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। आज का भंडारा परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज और उनके भ्राता महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज और उनके गुरु मौलाना फजल अहमद खान साहब की याद में मनाया गया। और आज सुबह से उनकी आत्माओं से फैजियाब होते रहे। मैं उनके जीवन की कुछ घटनाएं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि महात्माओं के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना बहुत कठिन काम है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लोग उनके संपर्क में आए,
क्या-क्या उनको फायदे हुए, क्या-क्या उनकी कठिनाइयां दूर की गईं, ये सबको ना मालूम होता है ना पता होता है। फिर भी छोटी बुद्धि के अनुसार जो कुछ ये समझ पाया आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। एक घटना महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज की आपके सामने रखूंगा जो याद आ गई। महात्मा रामचंद्र जी महाराज और महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज मथुरा पधारे। चाचा जी महाराज ने कहा कि मथुरा शहर की सैर कराएं, तो बड़े भाई से आज्ञा मिली कि कराओ। मथुरा सैर करने जा रहे थे तो रास्ते में एक अघोरी से पाला पड़ गया। अघोरी ने सोचा कि ये मोटी चिड़िया है, इसके पास तो बड़ा माल है, इसके पास तो बहुत खजाना है। महाराज से अघोरी ने कहा कि चलो बच्चा हमारे साथ चलो। ये भी मस्ती में थे उन दिनों, इन्होंने उत्तर दिया कि चलो और उनके साथ चले गए शमशान घाट में। उनको बैठलाया, बच्चा बैठो। वो आए, बैठ गए बड़े आराम से। उसने जिस आत्मा को सिद्ध किया हुआ था उसको बुलाया और चाचा जी महाराज के ऊपर छोड़ दिया। चाचा जी महाराज तो सद्गुरु का सहारा पाए हुए थे, उनके ऊपर किसी चीज का असर क्या होता, ध्यान अवस्थित हो गए, गहरे ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में बैठते ही वो जो रू थी वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई, बोली क्या आज्ञा है। बस उस अघोरी पर उल्टा छोड़ दिया, वह नाचा नाचा फिरता, हाथ जोड़े पैर पकड़े, बचाओ बचाओ। जब वह रोया, गड़गड़ाया और चिल्लाया, तब महात्मा जी ने उसे क्षमा किया और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना, और उस आत्मा को आज़ादी दिलाई और वह भी बंधन से छूट गई। जब वापस पहुंचे तो लाला जी महाराज ने सब जान लिया। यदि आप भी आनंद योग शिविर द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें अखिल भारतीय संतमत सत्संग, हेड ऑफिस B20CC कॉलोनी, अपोजिट राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007। हमारी वेबसाइट है www.absatsang.org। उन्होंने बहुत डांटा कि ये तुमने क्या किया, हमारा क्या ये काम है, ये तमाशा दिखाने का काम हम लोगों का नहीं है, कान पकड़ो और गाल पर चपत लगाओ कि आइंदा ऐसा काम कभी नहीं होगा। कान पकड़वाए, गाल पर चपत लगाई, तो ये अंतर मंत्रों की किस्म का है, हमारे बुजुर्गों ने बताया नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया। अध्यात्म में मंत्रों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है और उसे हम कहते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र देने वाले बहुत होते हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको 125 की माला दे देंगे और कहते हैं कि भाई बसते जाओ सीताराम सीताराम, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और कहते हैं कि गुरु की सेवा करते रहो, सारी जिंदगी माला रटते रटते हो जाती है, कोई फायदा नहीं होता। अब अध्यात्म में
सच्ची तरक्की करने के लिए दो बातों की ज़रूरत है। खेती को सफल बनाने के लिए दो बातों की ज़रूरत होती है, एक तो ज़मीन बहुत अच्छी जुती हुई हो, और उसके लिए पहले ज़मीन में हल चलाते हैं, जो जड़ें घास होती है उनको निकालते हैं, और जब ज़मीन नरम हो जाती है तो उसमें बीज बोते हैं। अब खेत सुंदर तैयार हो गया और बीज गला सड़ा मिल गया, तब भी कोई फ़ायदा नहीं। बढ़िया बीज मिल जाए तो खेती लहलाती है, और बीज कोई रद्दी सद्दी मिल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे ही साधक को खेत को तैयार कर लेना चाहिए, और ये खेत हमारा अपना हृदय है, हम अपने हृदय को तैयार करें, हम अपने आप को देखें कि हमारा खेत में कोई घास तो नहीं है, जड़े तो नहीं है, गंदी घास तो नहीं है जो बीज को नष्ट कर दे। उस घास की हम सफाई करें और अपने खेत को तैयार करें। खेत तैयार करने के लिए सत्संग सबसे बड़ी मदद करता है। हम सत्संग में जाते हैं, हमारे बुजुर्गों की कृपाधार मिलती है, उससे हमारे हृदय में ऐसी शुद्ध भावना पैदा होती है कि प्रभु जितनी मेरी कमजोरियां हैं इन्हें दूर कर दो। जब तक घास नज़र नहीं आती, जड़ें नज़र नहीं आती, तो सफाई शुरू नहीं होती। ये भी बड़ी भारी परमात्मा की कृपा होती है। जब ये रोशनी पैदा होती है कि मेरे अंदर कमियां हैं, तो उसकी सफाई शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए एक कमरा है, खूब अंधेरा है, उसमें आप सोए हैं, बेखबर पड़े हैं, आराम से हैं, सब कुछ बढ़िया लगता है। आपको थूक आया, बिस्तर पर पड़ गया, बिस्तर गंदा हो गया, लेकिन इसका आपको होश नहीं। अब इस कमरे में रोशनी ले आइए, लैंप लाइए। रोशनी होते ही आप भड़बड़ा उठेंगे, उठकर कहेंगे, अरे ये मेरी चादर है, इस पर तो थूक गिरा है, इसको बदलो। और नज़र दौड़ाई, अरे नीचे ये कूड़ा, इसे साफ करो, ये मकड़ियों के जाल लगे हैं, इसको साफ करो। जब रोशनी पैदा हो जाती है, उसमें हमें अपनी गंदगी और सफाई, अच्छाई और बुराई नज़र आती है, उस गंदगी को दूर करने का प्रयत्न आरंभ हो जाता है। यही सच्चा अध्यात्म मार्ग है। जब तवज्जो हृदय पर पड़ती है तो मनुष्य अपने आप को देखने लग जाता है कि मैं क्या हूँ, उससे पहले नहीं देख पाता। जब तक अपने आप को नहीं देखता, बड़े आराम से सोता है। हज़ार पीछे 999 व्यक्ति संसार में ऐसे ही सोते हैं, वह अपनी तरफ देखते नहीं, बाहर की तरफ देखते हैं, अंदर नहीं देखते। अंदर देखें तो अपना कूड़ा करकट नज़र आए और कुछ साफ करने का प्रयत्न हो। जब हम संतों के पास जाते हैं, उनकी कृपाधार पड़ती है, तो हमें अपने हृदय को देखना शुरू कर देते हैं। जब रोशनी पैदा हुई तो हमने अपने हृदय को देखना शुरू किया, फिर हमें नज़र आने लगता है कि इसमें इतनी तो तीखे कांटे वाली झाड़ियां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। जब ये नज़र आ जाता है तो फिर दूर करने की भी चेष्टा शुरू हो जाती है कि कैसे हमें इनसे छुटकारा मिले। इनसे छुटकारा पाने के लिए सत्संग सबसे बढ़िया चीज़ है। जितनी बुजुर्गों की तवज्जो आपके हृदय पे पड़ेगी, उतने ही आपके हृदय की सफाई होती चली जाएगी। इसलिए पहली चीज़ जो आवश्यक है वह है सत्संग। उपदेश तो सबको देते हैं, राम नाम में तो सबको लगा देते हैं, लेकिन बीज मंत्र तब मिलता है जब गुरुदेव देख लेते हैं कि हाँ ये साधक ठीक है, तभी उसे बीज मंत्र देते हैं। बीज मंत्र है
पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो सच्चे सदगुरु से साधक को प्रदान होता है, जब हृदय जाग जाता है, हृदय प्रेम से भरपूर हो जाता है, हृदय में प्रेम का जज्बा पैदा हो जाता है, भगवान की सच्ची भक्ति पैदा हो जाती है, वह साधक लिपट जाता है सच्ची आध्यात्मिक उड़ान के लिए। जैसे खेत के लिए अच्छी बीज की आवश्यकता होती है, वैसे ही साधक के लिए भी आवश्यक है कि बीज मंत्र किसी अच्छे सदगुरु द्वारा प्राप्त हो। अगर खराब बीज मिल गया तो उसका कोई फायदा नहीं। साथ ही यदि खेत खराब है, उपजाऊ नहीं, तो भी कोई फायदा नहीं। दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छा और खेत भी अच्छा हो, तभी खेती लहलाती है, तब आनंद ही आनंद होता है, अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, चारों तरफ खुशबू महकती है, अलग से मालूम हो जाता है कि फूल है, महक है, तो ये आवश्यक है कि बीज मंत्र किसी सच्चे सदगुरु से प्राप्त हो। ये बीज मंत्र वह नहीं कि कह दिया कि सीताराम सीताराम कहे चले जाओ, माला लेकर ओम ओम करते रहो, वह कुछ नहीं। असली चीज़ बीज मंत्र है जो आपके चित्त को एकाग्र प्रदान करता है। आप हजारों कोशिश कर लीजिए, चित्त अपने आप करने से एकाग्र नहीं होता, क्योंकि ये जन्म जन्म से ही बहिर्मुखी है। कोई शक्ति उसको एकाग्र कराती है, अन्यथा संभव नहीं है। हजारों कोशिश करिए, आप सिर पटक कर रह जाएंगे, चित्त एकाग्र नहीं होगा, विचार आते रहेंगे। इसलिए प्रमाणित है कि भगवान कृष्ण के नाम को जब तक नथ ना लें तब तक जहर नहीं छोड़ता। ये मन भी विषधार जैसा ही है, जब सच्चे सदगुरु इसके ऊपर अपनी सवारी नहीं करता तब तक ये विष देता ही रहता है। तो मौका दीजिए अपने सदगुरु को, वह इसकी पूर्णता से सफाई करे और जो बढ़िया सच्चा बीज है वह आपके हृदय में डाल दे, जिससे परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय भक्ति, निरंतर उसकी याद आपके दिल में पैदा हो जाए। चलते फिरते उसी की याद हो, खाते पीते उसी की याद हो, सोते जागते उसी की याद हो, बगैर उसकी याद के चैन ना आए। जब मन वहाँ से हटे तभी आंखों में विरह के आंसू आ जाए कि ये क्या हो रहा है। ऐसी लगन आप में पैदा हो, इसलिए जिस मंत्र से चित्त की एकाग्रता हासिल होती है वह मंत्र ऐसे सदगुरु से प्राप्त होता है, उसी को बीज मंत्र कहते हैं। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता तब तक आपको बीज मंत्र नहीं मिला। जब बीज मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही आप जिह्वा की नोक तालुए से लगाएंगे फौरन ध्यान बनेगा। यदि आप भी आनंद योग शिविर द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें अखिल भारतीय संतमत सत्संग, हेड ऑफिस B20CC कॉलोनी, अपोजिट राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007। हमारे फोन नंबर्स हैं 09810239677 और 09811551713। हमारी ईमेल आईडी है info@absatsang.org। हमारी वेबसाइट है www.absatsang.org।